तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। मैं लेकर आया हूँ एक और अमेजिंग सा वीडियो। तो चलिए वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज मेरे पास ये स्नो स्प्रे। इस स्नो स्प्रे को अधिकतर लोग पार्टीज वगैरह में यूज करते हैं। और फ्रेंड्स, बहुत से वीडियो ऐसे भी वायरल हुए हैं जिसमें पार्टी में बताया गया है कि इसमें आग लग जाती है। मैंने भी एक वीडियो बनाया था स्नो स्प्रे को कैसे बनाना है, उसमें मैंने ब्यूटेन का यूज करा था। उसमें मैंने ब्यूटेन का यूज़ करने के कारण मुझे बहुत से कमेंट आए थे। उसमें मुझे लोगों ने कहा था कि यह हाईली इन्फ्लेमेबल होता है। तो फ्रेंड्स, आज मेरे पास ये है स्नो स्प्रे। आज हम इसे ओपन करके देखेंगे इसके अंदर होता क्या है। इसको ओपन करने के साथ साथ हम इस स्नो स्प्रे में आग भी लगाकर देखेंगे इसमें आग लगती है नहीं। जो वीडियो वायरल हुए हैं जिसमें पार्टीज में आग लग जाती है बताया है, ये हम इसमें चेक करके देखेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल कलर का सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और उसके पास में लगी घंटी को भी बजा दीजिए। तो चलिए वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा स्नो स्प्रे। इसे हम टेस्ट करके देखेंगे पहले ये फ्लेमेबल है या नहीं, ये आग पकड़ता है नहीं। उससे पहले इस पर लिखी हुई वार्निंग को हम पढ़ लेते हैं। आपको अगर दिख रहा हो तो इस पर लिखा है डू नॉट कॉन्टेक्ट टू आइज़, मतलब ये आँखों में जाने से प्रॉब्लम हो सकती है। प्रेशराइज कंटेनर मस्ट बी कीप आउट ऑफ सन एंड डू नॉट एक्सपोज टू टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस अबो 50 डिग्री सेल्सियस 120 डिग्री फ़ारेनहाइट। मतलब इसके हिसाब से मुझे ये लग रहा है कि ये फ्लेमेबल होगा, लेकिन हम इसे चेक करके देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस स्नो स्प्रे को हम यहाँ पर स्प्रे करेंगे और इस लाइटर की हेल्प से हम उसमें आग लगा कर देखेंगे। फ्रेंड्स, आप इसे घर पर बिल्कुल भी ट्राई ना करें। पर ये सारे एक्सपेरिमेंट पूरी सेफ्टी प्रिकॉशन के साथ में की जाते हैं। और फ्रेंड्स, इसमें जो ये लगा हुआ है, ये हमने जो सोल्डरिंग के लिए बनाया था लाइटर, उसके लिए हमने इसे बनाया था। अगर वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ कहीं ऊपर आई बटन में आ रहा होगा। अब हम इसे पहले शेक कर लेते हैं और यहाँ पर इसे स्प्रे कर देते हैं। और फ्रेंड्स, ये लाइटर से हम इसमें आग लगाते हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये बर्न हो रहा है, मतलब ये फ्लेमेबल है। आप देख सकते हैं ये बर्न हो रहा है। एक बार और हम इसे जलाते हैं। ये हाईली फ्लेमेबल है फ्रेंड्स। आप इसे बर्थडे पार्टी वगैरह में यूज़ करें, मगर जहाँ पर कैंडल वगैरह जल रही हो वहाँ पर यूज़ ना करें, मैं तो यही बोलूँगा। और उसके बाद इसमें लिखा हुआ था कि आँखों से दूर रखना है, तो आप इसे आँखों में जाने से ही बचाएं। अब फ्रेंड्स, हम इसे काट के देखेंगे कि इसके अंदर क्या है। तो अब हम इसे काट कर देख लेते हैं। फ्रेंड्स, हम इसे इस कटर की हेल्प से काटेंगे। तो फ्रेंड्स, से खुल चुका है। पहले हम इसकी पूरी गैस बाहर होने देते हैं। और फ्रेंड्स, हमारे एक सब्सक्राइबर है जिनका एक यूट्यूब चैनल है यूनिक क्रिएटर नाम से, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है। और अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक पे जाइए और उनका चैनल देखिए। अगर कंटेंट पसंद आते हैं, वीडियोस पसंद आते हैं आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो फ्रेंड्स, इसमें लगभग सारा जो स्नो है वो निकल चुका है। अब हम इसे खोल लेते हैं।
इसे खोलने का कुछ मतलब बचा नहीं है, फिर भी हम इसे खोल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें एक ये नली लगी हुई है जो इसमें से बाहर निकलती है, उसके बाद ये हमारी पूरी कैन खाली हो चुकी है। आप देख सकते हैं इसमें सिर्फ झाग है। मैं इस झाग को पहले थोड़ा सा साफ कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसके अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ एक ये सॉल्यूशन है जो पूरा बाहर आ चुका है। अब ये किस चीज़ का बना है, मुझे तो लग रहा है ये किसी ऐसी चीज़ का बना है जिसमें से झाग निकलता है, डिटर्जेंट वगैरह या कुछ। सो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मैं इसी तरह के वीडियो लेकर आता रहता हूँ। आप अपने आइडियाज और सजेशन मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो नीचे देगा लाल कलर का सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और उसके पास में लगी घंटी को भी बजा दीजिए, ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।